तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कि न्यू बैंक अकाउंट अगर ओपनिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से आप न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो ऑनलाइन, एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस तरीके से ओपनिंग कर सकते हो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर सारा डिटेल्स देखेंगे। तो हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो इसके लिए हम जुपिटर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाओगे। आपके यहाँ पर इंस्टॉल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कि हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम इसको ओपन कर लेंगे। जब ओपन होने के बाद यहाँ पे अलाउ कर लेंगे परमिशन वगैरह। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे अलाउ देना है। अलाउ होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है सबसे पहले। तो जिस मोबाइल नंबर का रजिस्टर करना चाहते हो, बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड इनवाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होके कुछ इस तरह से अपना ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से वेरीफाई होगा अपना मोबाइल नंबर। तो वेरीफाई होने के बाद आपको ऑल राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना पैन नंबर डालना है, आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे दसवीं वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगा थोड़ा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना ई KYC करना है, परफॉर्म ई KYC। तो ई KYC करने के लिए आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और बॉक्स को यहाँ पे टिक कर देंगे और परफॉर्म ई KYC वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ई KYC वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, यहाँ पे OTP आ चुका है, वो OTP आप यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे OTP डालने का PCT देन ई KYC वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन जैसे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से वेरीफाई होकर अपना जो कि ई KYC हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई हो रहा है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना एड्रेस देखने को मिल जाएगा जो कि अपना आधार कार्ड से एड्रेस ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट करना है, इसलिए सिलेक्ट करना है यहाँ पे दिख रहा होगा डेबिट कार्ड जो कि फ्री मिल रहा है। तो डेबिट कार्ड आपको सेंड किया जाएगा इस एड्रेस पे। तो यहाँ पे बहुत सारा एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो अपना सही एड्रेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इस एड्रेस से अपना जो कि है डेबिट कार्ड आएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो जाएंगे। तो उस नंबर को दोस्तों आपको स्क्रीन पे देख के आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उस नंबर को बोलना है और वीडियो रिकॉर्ड करना है नंबर के साथ। तो यहाँ पे वीडियो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने की डिटेल्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना नॉमिनी अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना नॉमिनी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपना नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे। और यहाँ पे क्लिक करके आप किसको नॉमिनी रखना चाहते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि फादर, मदर, वाइफ, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि किसको आप नॉमिनी रखना चाहते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉमिनी का सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होकर इस तरह से अपना एड्रेस आ जाएंगे। यहाँ पे अपना डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपना डिटेल्स आ चुका है हमारा पे, अपना डिटेल्स यहाँ पे नीचे पे नॉमिनी का डिटेल्स आ जाएंगे, आप यहाँ पे चेक कर लेना है। और यहाँ पे चेक करने के बाद सारा कुछ अगर सही है आपको लुक गुड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे आपको एक MPIN सिलेक्ट करना है, लॉगिन MPIN। तो हम यहाँ पे MPIN सिलेक्ट कर लेंगे, रीएंटर MPIN को डाल देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पे डाउन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे डाउन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अपना जो कि पिन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना पिन सेट हो चुका है, होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा।
तो यहाँ पे आ चुका है लॉगिन भी लॉक। आप यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारा जो कि अकाउंट ओपनिंग हो चुका है। यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी देख सकते हो, यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे आईएफएससी कोड। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो अपना होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जीरो बैलेंस है, अभी यहाँ पे जीरो बैलेंस देख सकते हो अपना अकाउंट का बैलेंस, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इस वॉलेट पे अगर ऐड करना चाहते हो बैलेंस को, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट मनी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैलेंस को ऐड कर सकते हो इस अकाउंट पे। तो यहाँ पे अगर आप बैंक ऐड करना चाहते हो, तो जैसे कि मेरे पहले से बैंक ऐड है, आपको यहाँ पे न्यू ऐड वाला ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे कुछ आपको ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे अपना बैंक आ जाएंगे मल्टीपल बैंक। तो किस बैंक से आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर और भी आपका अगर अकाउंट है उस अकाउंट को इसके साथ लिंक करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से आप सिलेक्ट करके लिंक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए SBI सिलेक्ट कर लूँगा। तो SBI सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होकर अपना जो देख करो बैंक आ चुका है। आने के बाद आप यहाँ पे बैंक पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही बैंक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऐड हो चुका है। तो अगर आप दूसरे बैंक से इस अकाउंट पे ऐड करना चाहते हो मनी को, आप यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे UPI पिन डाल लेते हैं, और UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होकर अपना देखिए मनी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मनी ऐड सक्सेसफुल हो चुका है। हम यहाँ पे बैक कर लेंगे, बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे मनी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जो कि अपना 500 रुपीज मनी ऐड हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर नाउ फ्री डेबिट कार्ड के लिए आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करके ऑर्डर दे देते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ATM पिन सिलेक्ट कर लेना है। तो कौन सा आप ATM पिन रखना चाहते हो, यहाँ पे अपना ATM पिन डाल देंगे। तो ATM पिन डालने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देखने को मिल जाएगा कि इस एड्रेस पे अपना जो है ATM कार्ड डिलीवर होगा। आपको यहाँ पे गेट नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कार्ड राइट पेमेंट एक्टिवेट कर देना है, ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड पेमेंट। अब यहाँ पे कार्ड राइट को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे अपना कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल डन हो चुका है। हम यहाँ पे फिनिश वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फिनिश कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आ चुका है हमारा। डेबिट कार्ड का नंबर और डेबिट कार्ड का सारा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड की। यहाँ पे जो कि हमारा डेबिट कार्ड भी ऑर्डर हो चुका है। अगर बैलेंस चेक करोगे तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना बैलेंस देख सकते हो, और यहाँ पे अपना रिसेंट ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा रिसेंट ट्रांजैक्शन कितना किया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे किसी भी साथ ट्रांसफर कर सकते हो पैसे को। यहाँ पे अपना UPI ID डाल के यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बैंक अकाउंट से सेंड करना चाहते हो मनी को, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट से भी सेंड कर सकते हो। नाम, अकाउंट नंबर, IFC कोड वगैरह यहाँ पे इस तरीके से डाल के आप यहाँ पे अकाउंट पे पे कर सकते हो इससे। फ्री डेबिट कार्ड जो कि है 10 या फिर 15 दिन के बाद अपना डिलीवर हो जाएगा आपके पास। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जुपिटर में न्यू बैंक अकाउंट किस तरह से ओपनिंग कर सकते हो, वो भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप जुपिटर में बैंक अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो जुपिटर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुपिटर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो से कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय।